हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो आज हमारे वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के हैं जी हाँ बिल्कुल सही समझे ये बसंत पंचमी के स्पेशल जो है हमने अपने ठाकुर जी का पोशाक पहनाए थे हमने लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाए थे तैयार किया था और ये लक्ष्मी नारायण जी को भी पोशाक पहना के तैयार किया है तो ये देखिए बहुत प्यारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में और आज का इनका जो ड्रेस है पूरा जो ड्रेस है ये ड्रेस हमने पूरा घर पे बनाया हुआ है थोड़ा सा ग्रीन का हल्का सा टच दिया है दोनों को मैचिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लक्ष्मी माता को दिखाती हूँ इनको हमने ग्रीन कलर का एक दुपट्टा दिया है और एक चूड़ी ऐसा पहनाया है लटकन वाले ये देखिए तो इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन का हल्का सा टच है इस साइड भी आपको दिख रहा होगा लटकन वाले एक चूड़ी है माता को हमने नथ पहनाया है और आज इनकी स्वरूप इतने बढ़िया है इतने अच्छे हैं और इनके कलर्स आपको पता है कि मैंने खुद ही बनाया था इनका कलर्स भी मैंने खुद बनाया था तो ये जो है माँ लक्ष्मी का आज का जो स्वरूप है बहुत सुंदर लग रहा है और सिंपल वाइट से ज़्यादा जब थोड़ा सा इसमें कलर कॉम्बिनेशन आता है तो ये इतने प्यारे होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने येलो ड्रेस पे ही किए थे श्रृंगार बसंत पंचमी में सभी लोग येलो ड्रेस के ही करते हैं पर माता जो सरस्वती माता है उनको सफ़ेद कलर व्हाइट कलर बहुत पसंद है तो इस साल मैंने जो है इनको वाइट कलर में श्रृंगार किया है तो थोड़ा सा अलग भी लग रहा है इसके वजह से बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये हमारे नारायण जी है इनके भी स्वरूप आज बहुत सुंदर है पगड़ी हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए है जो मैंने घर पे खुद बनाया था तो हमारे नारायण जी को और लड्डू गोपाल जी को सेम पगड़ी की साइज़ आ जाता है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं सेम पगड़ी जो है एक्सचेंज करके ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहना सकती हूँ और नीचे ये धोती पहने हैं ऊपर से ये छोटा सा फ़्रॉक जैसा ये लगाया है गोल्डन कलर का ज्वेलरी पहनाया है और इनको ग्रीन कलर का और अलग से मुझे कुछ न, मिला नहीं था तो मैंने वाइट और ग्रीन का एक माला मेरे पास था जो कि बहुत अच्छे से मैच कर रहा था मुझे ग्रीन हल्का सा टच चाहिए था खाली बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं चाहिए था तो इसके लिए माला काफ़ी हो रहा था तो ये जो है ये आज का स्वरूप है इनका जो दर्शन है बहुत मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मैं क्या बोलती हूँ बहुत अच्छे लग रहा है और मेरे लक्ष्मी नारायण जी जो है ये आठ इंच के हैं सभी लोग मुझे पूछते हैं कि कितने इंच के हैं कहाँ से लिए है तो ये लक्ष्मी नारायण जी आठ इंच के हैं और इसको मैंने अपनी मम्मी के इधर से लिया था मैंने असनसोल से लिया था और प्राइस वगैरह तो मुझे अभी याद नहीं है पर इनकी जो बनावट है ये बहुत प्यारी सी है और इस मूर्ति की भी एक छोटी सी कहानी है जब मैं दुकान में गई थी तो मुझे मैंने पूछा था कि मुझे लक्ष्मी नारायण जी चाहिए तो उन्होंने मुझे बहुत सारा मूर्ति दिखाए लेकिन सारे मूर्तियाँ थी ऐसे जिसमें ऑलरेडी श्रृंगार किया हुआ रहता है तो मैंने उनको कहा कि आपके पास कोई इस्कॉन टाइप के नहीं है मुझे ऐसे चाहिए था तो उन्होंने बोला एक मूर्ति मेरे पास है जो कि इस्कॉन टाइप के ही है लेकिन वो मूर्ति मेरे पास पिछले तीन चार साल से पड़े हैं और कोई नहीं ले रहा है मेरे पास एक ही पड़ा है ऐसा लग रहा था जैसे कि आ, बस मुझे वहाँ पहले जाना चाहिए था क्योंकि उनको मेरे यहाँ आना था तो इतने दिन भगवान जी वहाँ पे उनके शॉप में ही रहे तो मुझे इस बात का तो बहुत बुरा भी लगा कि मैं काश पहले जाती थी मैं पहले लेके आती थी इनको पर जब समय होता है तभी होता है तो जब उनको आना था तभी वो आए तो ये बात मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि बस मेरे लिए ही जैसे कि रखा हुआ था मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो दोस्तों ये इनकी सिंगार आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों एक बार बहुत अच्छे से सामने से भी मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी स्वरूप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप और हम जुड़े रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे